फोर्थ टर्म है एसमेट्रिक टर्म लिक्विड ड्रॉप मॉडल में ये टर्म जो है ना ये जरा सबसे ज्यादा समझने मुश्किल है थोड़ी इसको समझने की कोशिश करें मैं करता हूं ट्राई आपको समझाने की देखो कूलम टर्म में पता क्या हुआ था आपको पता है कूलम टर्म में हमें पता चल रहा है कि कूलम टर्म उस वक्त ज्यादा ज्यादाटिव होगी या एक्टिव होगी जब नंबर ऑफ प्रोटोन ज्यादा होंगे जैसे जैसे प्रोटोन कम होते जाएंगे कूलम टर्म जो है ये वीक होती जाएगी एक बात तो ये है दूसरा ये है कि अगर हम ए, देखते हैं अगर एसमेट्रिक टर्म जो है ये बताती है कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जैसे जैसे बराबर होती जाएगी न्यूक्लियस के अंदर सिमेट्री आती जाएगी यानी एसमेट्री कम होती जाएगी और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो न्यूक्लियस एसमेट्रिक होगा लिहाजा एसमेट्रिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम टर्म जो है जो एक्चुअल टर्म है बाइंडिंग एनर्जी की उसमें कमी आएगी ये सारा जो सारी चीजें जो हैं ये इसको समझने की कोशिश करनी है इसमें अकॉर्डिंग टू एसमेट्रिक टर्म यानी एसमेट्रिक टर्म उस वक्त ज्यादा होगी अगर प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर नहीं होगी उनमें डिफरेंस होगा आप लोग अगर बड़े न्यूक्लियस को देखो जो बड़े साइज के न्यूक्लियस हैं उनके अंदर जो आमतौर पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं तो हम इस हवाले से बात करेंगे ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं है जिसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो और न्यूट्रॉन कम हो हर एक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन या बराबर हैं या फिर न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा है सो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है ए इंक्रीज होता जाएगा लिहाजा वॉल्यूम टर्म तो बढ़ेगी लेकिन हम अगर उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बात करें तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस भी बढ़ता है जब डिफरेंस बढ़ेगा तो एसमेट्रिक टर्म भी बढ़ेगी लिहाजा एसमेट्रिक टर्म बढ़ेगी तो एसमेट्रिक एनर्जी बढ़ेगी और इससे एनर्जी के बढ़ने से वॉल्यूम टर्म कम होती जाएगी तो फिर हम ये यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो रही है कि साइज के बढ़ने से एसमेट्रिक टर्म एंड अल्टीमेटली है वो इंक्रीज होती है

बड़े साइज के न्यूक्लियस के हिसाब से कूलम टर्म कम होती जाती है क्योंकि साइज के हिसाब से प्रोटॉन कम होते जा रहे हैं लेकिन एसमेट्रिक टर्म बढ़ती जा रही है तो ये खास चीज जो है ना वो आप लोगों ने इसको समझना है तो एसमेट्रिक टर्म एक्चुअली में क्या है डिफरेंस ऑफ प्रोटोन डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन अब इसकी डिटेल इसमें टर्म जो है ये कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको समझने के लिए हम प्रोटोन और न्यूट्रॉन को समझ लेते हैं कि एक पोटेंशियल वेल well में है न्यूक्लियस को हम एक पोटेंशियल वेल well करते हैं और ये जैसे फिगर में नजर आ रहा है आप लोगों को आप लोग ये देखें ये एक वेल well है इसको हम पोटेंशियल वेल well कहेंगे और ये न्यूक्लियस को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है वो एक्चुअल पोटेंशियल वेल है और ये जो पोटेंशियल वेल well की बेस है दिस इज देंटर ऑफ न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस स्टेट्स हैं तो जैसे जैसे न्यूक्लियर स्टेट्स बढ़ती जा रही हैं इनमें न्यूक्लियन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी और न्यूक्लियस से बाहर निकलना आसान होता जाएगा यानी ये देख लेना ये एजिस हैं उस वेल well के लिहाजा इस वेल well से न्यूक्लियन में बाहर जाना है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस को एक पोटेंशियल वेल काउंट कर लेते हैं या कंसिडर कर लेते हैं और उनके अंदर जो एनर्जी स्टेट्स हैं या एनर्जी लेवल जो हम उनको कहते हैं फर्ज फर्ज कह रहे हैं यानी ई एनर्जी का डिफरेंस है अब आपको पता तो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये है यानी इनकी स्पिन है और पोलियो एक्सक्लिजन प्रिंसि के मुताबिक जो हाफ स्पिन रखने वाले पार्टिकल हैं वो एक स्टेट में दो ही हो सकते हैं यानी अगर हम प्रोटोन और न्यूट्रॉन के स्टेट्स को अलहदा इनके स्टेट्स हैं और हर स्टेट के अंदर अगर मैक्सिमम दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन है तो फिर इससे ज्यादा नहीं आ सकते पोलियक्सको प्रिंसिपल क्योंकि ये फर्मी होने और इनकी स्पिन हाफ हाफ है तो ये आप मतलब हम फिर कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर यानी पोटेंशियल वेल के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं हर लेवल के अंदर दो प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लेवल डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर हम मंज्यूम कर लेते हैं कि एक जैसे ही आ गए फिगर में आप लोगों को दिखाया हुआ है आप समझ सकते हैं ये देखें ये वही वेल well है ये अगर इस नंबर वन वेल में अगर देखें पोटेंशियल वेल में तो ये छः न्यूट्रॉन हमने लिए हैं जो एनर्जी स्टेट्स में हैं दो चार छः और ये प्रोटॉन और एनर्जी स्टेट्स में, हैं। यहां में है लेकिन यहाँ पर एक ही में दिखाए हुए हैं इनके अपनी एनर्जी स्टेट्स हैं उनकी अपनी एनर्जी स्टेट्स हैं इनका लेवल एक भी हो सकता है लेकिन ये दोनों एनर्जी स्टेट्स में दिखाए ये प्रोटोन के एनर्जी स्टेट्स हैं तो ये अगर हम देखें ये कैसा न्यूक्लियस का पोटेंशियल वेल है जिसके अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर है तो अगर ये और मैक्सिमम स्टेबिलिटी भी ऐसे ही है क्योंकि अगर प्रोटोन की तादाद फर्ज कर लेते हैं प्रोटोन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर या बाय बीटा मिशन बीटा पॉजिटिव मिशन तो फिर प्रोटोन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा जब कन्वर्जन होगी तो प्रोटोन न्यूट्रॉन अपनी स्टेट्स को छोड़कर न्यूट्रॉन की स्टेट्स में चले जाएंगे और फर्ज हम कर लेते हैं कि चार न्यूट्रॉन जम्प चले गए हो गए लिहाजा वो इन एनर्जी स्टेट्स में चले जाएंगे जो कि आपको दिखाई गई है तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जब ये हायर स्टेट्स में गए हैं तो इनकी एनर्जी बड़ी है तो ये नंबर टू जो पोटेंशियल वेल है दिस इज मोर तो अनस्टेबल एज कम्पेयर टू नंबर वन क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन को बाहर आना आसान है लिहाजा ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो फिर आप देख सकते हो सीमेट्रिक और अनिट्रिक अन एसमेट्रिक टर्म को समझ सकते हैं आप कि जो पोटेंशियल वेल वन है उसमें सिमिट्री ज्यादा है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दर्द बराबर है उसमें एसमेट्री तो है ही नहीं जबकि पोटेंशियल वेल टू में एसमेट्री बहुत ज्यादा है क्योंकि न्यूट्रॉन देखें अगर टेन है और प्रोटोन सिर्फ दो है तो इसमें एसिमेट्री बहुत ज़्यादा लिहाजा यहाँ पर ये ये इस जो पोटेंशियल पोटेंश टू है इसमें न्यूक्लियन न्यूक्लियस पोटेंश टू जो है ये ज़्यादा अनस्टेबल है और न्यूट्रॉन को बाहर निकलना आसान है तो इस हवाले से, से देखें तो एसिमेट्री टर्म की यानी आप देखें एग्जिस्टेंस है ना क्योंकि एसिमेट्री जिसकी एसिमेट्री ज़्यादा होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी वॉल्यूम टर्म उसकी डिक्रीज होती जाएगी और बाइंडिंग एनर्जी भी डिक्रीज होगी और न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो पोटेंशियल वेल टू इज मोर अनस्टेबल एज कम्पेयर टू पोटेंशियल वेल वन तो यहां बस ये यह याद रखना है कि एसमिट्री जो है ये बाइंडिंग एनर्जी को कम करती है और अनस्टेबिलिटी को बढ़ा देती है अब हम मसला हमारा ये है जहाँ जो टास्क है हमारा वो कैलकुलेट करना इस एसमिट्री एनर्जी को कैलकुलेट करना कि इस टर्म की वजह से जो एनर्जी है वो कितनी होगी उसको कैलकुलेट करना तो हम इसी फिगर को लेकर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं देखिए हम ये पोटेंशियल वेल वन में देखें तो ये दो प्रोटॉन जंप करके चले गए इस स्टेट में अब इन्होंने कितनी एनर्जी को एनर्जी ने मिली है इन्होंने एनर्जी गेन किया इव, दो स्टेट्स ये इन्होंने जंप किए और दो स्टेट ही ऊपर वाले प्रोटोन ने जंप किया तो हर प्रोटोन जो है उसने दो एनर्जी स्टेट्स को जंप किया यानी दो ई एनर्जी उन्होंने हासिल की जिसकी वजह से वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुए तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्जन जो है प्रोटोन के न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होने के बाद जो डिफरेंस है न्यू, न्यूट्रॉन और प्रोटोन का वो कितना हो गया वो आ जाएगा आठ क्योंकि आप लोग अगर देखो ये टू में तो डिफरेंट न्यूट्रॉन दस है प्रोटोन दो है तो डिफरेंस होगा आठ एन माइनस जीवल टू एट और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन माइनस जी ओवर टू इज इक्वल टू फोर ये ज़रा आगे काम आएगा हमारे क्योंकि असल में ये चार करने का मकसद ये है कि चार न्यूक्लियन ने वो शिफ्टिंग की है ना फ्राम प्रोटोन टू तो न्यूट्रॉन तो हम उन, उनको चार बनाना चाह रहे हैं तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता को आप दोनों टू तो तो पे डिवाइड कर दो तो ये एन माइनस जी ओवर टू इज इक्वल टू फोर ये हमारे पास आ गया अब हम ये देखना चाहते हैं जो इन्होंने एनर्जी गेन की एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी इनको जंप करने के लिए वो कितनी हुई हर हर जो न्यूक्लियन है उसको कितनी एनर्जी कितनी हुई वो टू ई की याकि हर न्यूक्लियन ने दो टू एनर्जी गेन की और जंप करके हायर स्टेट में गए ये बात समझ लें आप लोग एनर्जी डिफरेंस पर न्यूक्लियन कितनी आई टू यानी एक न्यूक्लियन की एनर्जी डिफरेंस जो है टू ई बन रही है कि उन्होंने किए हैं और टू ई को हम लिख सकते हैं फोर ई ओवर टू ये बनाने का मकसद ये था कि वो ऊपर वाली वैल्यू जो हम पुट कर सके और फोर ई इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई और इस फोर की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि ये फोर इन न्यूक्लियन थे लिहाजा उनकी वैल्यू पुट कर दी एन माइनस जी ओवर टू तो हमारे पास रिलेशन बन गया तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी डिफरेंस पर लिहाजा फोर से मल्टीप्लाई कर, कर दिया फोर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टोटल एनर्जी डिफरेंस हमारे पास आ गया फोर मल्टीप्लाई वही टर्म सारी वन ओवर टू इंटू एन माइनस टू इंटूर अब आप इनको फोर की जगह अगेन वो वैल्यू पुट करें तो जी आ जाएगा एन माइनस इनको सारों को कंबाइन करें तो ओवर एट e. और एन आपको पता है ए माइनस जी यानी मैस नंबर माइनस प्रोटोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हम एन की जगह न्यूट्रॉन की तादाद की जगह ए माइनस जी लिख रहे हैं और आप लोगों ने ये बेसिक जो आप लोग से पढ़ते आ रहे हो e. <coughs> तो e. हमें ई को फाइंड e कर लेते हैं ई e को फाइंड करना बहुत आसान है कि जैसे जैसे आप देखें न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा ई e को क्या होगा न्यूक्लियन आपस में करीब होंगे कंप्रेस होंगे जब कंप्रेस होंगे तो एनर्जी लेवल करीब करीब होते जाएंगे लिहाजा लोअर जो लाइटर न्यूक्लियर होते हैं उनके एनर्जी लेवल का डिफरेंस ज्यादा होता है और जो हैवी न्यूक्लियर होते हैं उनके एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम होता है सो so, हमने हम कह सकते हैं कि एनर्जी एनर्जी जो है ये अटोमिक मैस के इनवर्सली प्रपोर्शनल है जैसा जैसे अटोमिक मैस बढ़ता जाएगा एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा यानी एनर्जी लेवल के दरमियान डिफरेंस जो एनर्जी का वो कम होता जाएगा तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए अब यही अगर ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ई e को हम रिप्लेस कर देते हैं वन ओवर ए से और साथ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके कांस्टेंट लगाए तो हमारे पास वन ओवर एट भी पहले कॉन्स्टेंट है एक कॉन्स्टेंट ये आएगा तो मिलकर जो कॉन्स्टेंट बनेगा उसको हम ए ए कह रहे हैं यानी कि एसमेट्रिक कॉन्स्टेंट लेकिन ये एस मिट्टी जो है क्योंकि एक्चुअल बाइंडिंग एनर्जी को काम करती है इसके साथ माइनस लगा दिया तो हमारे पास एसमिट्रिक एनर्जी दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस ए ए ए माइनस जी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए तो यही वो टर्म आप अगर न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉ मॉडल का को देखें तो उसमें जो टर्म हमारे पास फोर्थ टर्म है वो फोर्थ टर्म यही तो है कि ए माइनस ओवर टू माइनस ए माइनस टू जी होल स्कोय ए ये वही ए समेट्रिक एनर्जी की टर्म है और यहां पर ए जो है वो ट्वेंटी थ्री एम ई वी है तो ये एनर्जी इस तरह कैलकुलेट होती है आप लोग इसको देख लें दे ध्यान से और मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा वैसे इसको समझना कोई खास मुश्किल भी नहीं है एन हो विल कैलकुलेट आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन फॉर योर फॉर एक्सरसाइज एंड दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म फॉर नाइट्रोजन एंड यूरेनियम न्यूक्

लेकिन अगर उन वो पेयर अप नहीं है तो उनके वो वो बाइंडिंग एनर्जी को स्टेबिलिटी को कम करेंगे और जो की तरफ जाएगा और जो वॉल्यूम टर्म है वो कम होगी या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कुछ न्यूक्लियर पेयरिंग में हो कुछ ना पेयरिंग में ना हो और ओवरऑल उनकी नेट पेयरिंग एनर्जी जो है वो जीरो हो जाए तो इस टर्म जो ये जो, जो है इसमें तीन केसेस बनते हैं एक पेयरिंग टर्म जीरो हो सकती है हो सकती है और हो सकती है। अगर है, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी को इनहांस करेगी अगर जीरो नेगेटिव है तो, फिर तो, नहीं है। अगर है, तो ये को करेगी और न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा इसको जरा समझने की कोशिश करें आप लोगों ने वो पीछे बोलिए एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक देखा है कि न्यूक्लियन एक स्टेट में दो होते हैं और दोनों अगर एक स्टेट में हैं तो वो अप होते हैं और एक दूसरे को के कैंसिल आउट करके मोस्ट कि स्टेबल है, है और एक में दो हैं तो दोनों पेयर अप जब होंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी लेकिन जो अकेला है वो अकेला आ, जो है वो न्यूक्लियस अन, को अनस्टेबल कर रहा होता है तो यहाँ पर पेयरिंग जो है ये काउंट होती है अब पेयरिंग यहाँ दो तरह की होगी एक प्रोटॉन प्रोटोन की आपस में पेरिंग और दूसरी न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन के साथ पेरिंग तो फिर ऐसे हो सकता है ना कि एक केस ये भी हो सकता है लेकिन न्यूट्रॉन अप नहीं है या फिर न्यूट्रॉन पेयर्डअप है प्रोटोन अप नहीं है और तीसरा केस दोनों ही पेयर्ड नहीं है दोनों अनपेयर्ड है तो ये तीन केस बन रहे हैं यहां पर इन तीनों केसेस को डिटेल में समझने से पहले आप इस फिगर को देखेंगे ये फिगर जो है इसमें एक ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने दिखाया हुआ है ये न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी का और बेरियम के आइसोटोप्स के साथ तो अगर आप लोग देखें न्यू न्यूट्रॉन आइसो सेपरेशन एनर्जी जो है जिन जिन आइसोटोप्स के लिए न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो इवन है इनमें न्यूट्रॉन पेयर्ड अप हैं लिहाजा इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है यानी न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है सो so, ये ग्राफ भी हमें बता रहा है कि ये अगर न्यूक्लियॉन पेयरड अप हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है तो ये बड़ी खास बात है जो याद रखने वाली है लेकिन इस टर्म का प्रूफ कोई नहीं है प्रूफ क्यों नहीं क्योंकि ये टर्म जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है यानी مختلف قسم کے نیوکلیئس لیے ان کی بائنڈنگ انرجی چیک کر لی کچھ نیوکلیائی बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा शो कर रहे थे कुछ कम पता उनको देखने से पता चला कि अगर उनके दरमियान पेयरिंग है तो वो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है अगर पेयर्ड नहीं है अनपेयर्ड है तो फिर बाइंडिंग एनर्जी कम एक्सपेरिमेंटली इसका प्रूफ नहीं है एंड वो टर्म क्या बनती है उसको हम देख लेते हैं लेकिन ये पेयरिंग टर्म ये हमें जो ग्राफ है ये भी बिल्कुल वही चीज बता रहा है अब हम जरा इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि पेयरिंग के हवाले से देखें तो हमारे पास तीन केस थे प्रोटॉन भी इवन न्यूट्रॉन भी इवन पहला केस प्रोटोन इवन बट न्यूट्रॉन ऑड या फिर न्यूट्रॉन इवन प्रोटोन ऑड सेकेंड केस और तीसरा प्रोटोन भी ऑड न्यूट्रॉन भी ऑड ऑड होने का मतलब यह है कि लाजमी तौर पर कोई ना कोई न्यू, न्यू, न्यूट्रॉन या प्रोटोन जो है वो अनपेयर्ड होगा इवन का मतलब यह है कि न्यूट्रॉन और प्रोटोन दोनों में जिनके लिए इवन है, नंबर हैं वो पेयर्ड अप है तो ये तीनों केस यहां दिखाए हुए हैं तीनों केसेस में अगर आप लोग देखें मैंने बताया था ये एक्सपेरिमेंटली एक्सपेर टर्मन, टर्मन, है फिलहाल आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि ये ये टर्म जो है एक्सपोनेंशियल की पावर और फोर साथ ए -पी है डेल्टा है और डेल्टा आपको बताया था ये पॉजिटिव भी हो सकता है जीरो भी और नेगेटिव भी पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये वॉल्यूम टर्म को एनहांस करेगा और वॉल्यूम टर्म उस वक्त एनहांस होगी जब प्रोटोन भी इवन होंगे और न्यूट्रॉन भी इवन होंगे और इवन होंगे और दोनों

जो डेल्टा वो जीरो होगा लिहाजा सारी टर्म जीरो हो जाएगी और बाइंडिंग एनर्जी को ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी ना उसको बढ़ाएगी ना कम करेगी और लास्ट टर्म जो है ये इसमें बाइंडिंग एनर्जी जो डेल्टा वो नेगेटिव है मतलब ये उस वक्त नेगेटिव होगा जब प्रोटॉन्स भी ऑड होंगे और, और न्यूट्रॉन भी ऑड दोनों ही दोनों ये अनपेयर मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पेयरिंग के बारे में ये टर्म है और इसकी अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये असल में आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि ये माइनस अगर तो ये एक्सपेरिमेंटली है तो फिर एक पार्ट थ्री बाय फोर का मतलब क्या है असल में इसका मतलब ये है कि जब हमने बहुत सारे न्यूक्लियो न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लिया के लिए ये हमने कैलकुलेशन की थी पेयरिंग टर्म की तो हमने एक ग्राफ ड्रा किया और ग्राफ के नतीजे में जो जब उसकी लाइन की फिटिंग की तो जो हमें कर्व मिल रहा था वो कव में जो वेरिएबल है वो वो था एक्चुअल थ्री बाय फोर पार को डिनोट कर रहा था इसलिए हमने फोर, फोर को कर रहा था, और इस तरह ये फिफ्थ टर्म जो लिक्विड ड्रॉ मॉडल की लास्ट टर्म थी वो वो हमें वो जो उसकी वैल्यू हमें ये इस तरह मिल जाएगी और अगर आप लोग कैलकुलेशन ये क्वेश्चन उसी तरह मैं आपको एंड पे एक दे रहा हूँ क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि पेरिंग टर्म आपने कैलकुलेट करनी है लेकिन साइन भी बताना है किसके लिए ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के लिए और फिर थोरियम के न्यूक्लियस के लिए तो आप लोगों को ये उनके अटोमिक नंबर और मैथ नंबर दिए हुए हैं this is all about the liquid draw model and uh, liquid drop model is very important in uh, model in nuclear physics and i think it is a very simple uh, and uh, a basic model it is a classical model not quantum mechanical but its, it's large, last two terms are quantum mechanical uh, but not too much quantum is involved in these two terms so uh, students if you have any question about this uh, draw, liquid draw model you may ask me on whatsapp number or mail me or direct call me for a discussion about this model thank you allah hafiz